प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहूंगा कि आज हमारे जो बिहार के जो मनीष कश्यप को जो अंदर किया गया है उनको निकलवाने के काम किया जाए। अगर नहीं निकलवाते हैं तो आपका लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को खिलाफ करेंगे, नोटा पर वोट डालेंगे, नोटा पे। मनीष कश्यप जब तक बाहर नहीं आएंगे ना, जब तक हम लोग पूरा युवा नोटा पर वोटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भगवान से हम लोग विनती करते हैं कि मनीष कश्यप हमारे बिहार में वो जेल से रिहाई हो, जी हम लोग मांग करते हैं। नहीं बाबू मांग करते हैं, मीडिया मीडिया होते हैं जो कि देश दुनिया तक के खबर को पहुंचाते हैं, उनके लिए तो भाई हम लोग ताकत झोंक देंगे मैडम। बिल्कुल बिल्कुल पूरा मीडिया चैनल में पढ़ने के लिए मिल रहा है कि मनीष कश्यप पर कौन लगे हुए हैं, कौन दिग्गज लगे हुए हैं। अगर दिग्गज नहीं लगते तो मनीष कश्यप आज जेल में नहीं रहते, बाहर रहते। अगर बाहर रहते ना तो धुआं धार करके छोड़ देते मनीष कश्यप। जो 70 करोड़ का पुल गिरा ना, उसने पहला ही बता दिया था कि आज गिरे या कल गिरे ये पुल को गिरना निश्चित है। जो मनीष कश्यप उस सच्चाई दिखाने का पावर अपने ऊपर रखे तो सरकार उनको जेल का अंदर कर दिया। और जो एनएसएफ लगाया कुछ ज्यादा ईमानदार था मनीष कश्यप, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा ईमानदार होना भी घातक है। मनीष कश्यप हम युवा का आइकॉन है, जी उनके राह पे हम लोग चलते हैं। अरे सिविल इंजीनियर है, अंगूठा छाप थोड़ी ना है, 8वीं फेल थोड़ी ना है, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो उसको पता है कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है कंस्ट्रक्शन का, उसको सारा चीज पता है। जो पुल का जिक्र किए थे वो निश्चित एक साल, उन्होंने कहा था कि एक साल में गिर जाएगा और एक साल में वो गिर गया, उसी में टूट भी गया। मनीष कश्यप तो बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन उनको फंसाया गया है, जो सत्य बोल रहे हैं लेकिन उनको फंसाया जा रहा है। वो युवा है और हम भी युवा है लेकिन वो एक युवा को फंसाए, यानी हमें भी फंसा दिए है। मनीष कश्यप हमारा जो बिहार का बहुत ही होनहार, मतलब एक धरती पुत्र उसको बोलेंगे, उसमें धारा लगा दिया गया, ऐसा ऐसा धारा। जबकि वही न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स दैनिक भास्कर सारा उनपे क्यों नहीं करवाई, उस पे क्यों करवाई हो गई? क्या लगता है मनीष कश्यप की आवाज को दबाने की कोशिश की गई? बिल्कुल दबाने, अरे बिल्कुल दबाने की गई, क्योंकि वो अगर रहता तो आज बहुत कुछ हो जाता। आज हमारे देश के मनीष कश्यप के बारे में मैं आप जो पूछ रहे हैं मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ कि सरकार मीडिया चैनल होते हैं, सरकार का स्तंभ होते हैं जी, लेकिन इस तरह से सरकार को राजनीतिक नहीं करनी चाहिए कि आज मीडिया जब उछाल कर रहे हैं तो उसको आज हम जेल कर दें, अंदर कर दें। ये तो सरकार का सारा सारी गलत चीज है। ये तो हम लोग चाहेंगे, आज भगवान से हम लोग विनती करते हैं कि मनीष कश्यप हमारे बिहार में वो जेल से रिहाई हो, जी हम लोग मांग करते हैं। नहीं बाबू मांग करते हैं, मीडिया मीडिया होते हैं जो कि देश दुनिया तक के खबर को पहुंचाते हैं, उनके लिए तो भाई हम लोग ताकत झोंक देंगे मैडम। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो मनीष कश्यप के लिए मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आप आ जाए निकल के, तब देखिए क्या होता है बिहार का राजनीति का, क्या होता है दिल्ली का राजनीति। बाहर आएंगे तो बिहार की राजनीति बुरा हो लेगी। बिल्कुल बिल्कुल मीडिया मीडिया होता है, मीडिया किसी सरकार पूरा अच्छा होएगा आएगा तो सरकार को बात को नहीं मानता है, मीडिया अपने स्तर से काम करते हैं, जब अपने स्तर से जब काम करने लगे तो उसको जेल कर दीजिएगा, जेल कर दीजिएगा। ये तो सरकार का एकदम सारा सारी गलती चीज है। कि जो क्या गलती क्या थी मनीष कश्यप, जो आज हमारे बिहारी लोग के बारे में जो छाल किए थे कि आज हमारे भूखे मर रहे हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको डंटा लाठी से पीटा जा रहा है, तो क्या इन लोग को बुरा लगने लगा? इन लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, इन लोग केक काटने जाते हैं वहाँ, आज मनीष कश्यप उसके बारे में लिख दिया था, क्या उसको जेल कर दीजिएगा? ये तो गलत चीज है, ये बिहार सरकार का गलत चीज है। क्या सारा शरीफ बिहार सरकार का दोष है कि जो मनीष कश्यप को, मतलब आपके कहने का मतलब बिहार सरकार का, बिहार सरकार का पूरी हाथ है मैडम, पूरी हाथ। कैसे नहीं कह सकते हैं? आज पूरा मीडिया चैनल में पढ़ने के लिए मिल रहा है कि मनीष कश्यप पर कौन लगे हुए हैं, कौन दिग्गज लगे हुए हैं। अगर दिग्गज नहीं लगते तो मनीष कश्यप आज जेल में नहीं रहते, आज बाहर रहते। क्या लगता है मनीष कश्यप जेल में रहते हैं या बाहर रहते, जैसा कि उन्होंने बोला? अभी अगर बाहर रहते ना तो धुआं धार करके छोड़ देते मनीष कश्यप। जो 70 करोड़ का पुल गिरा ना, उसने पहला ही बता दिया था कि आज गिरे या कल गिरे ये पुल को गिरना निश्चित है। जो मनीष कश्यप उस सच्चाई दिखाने का पावर अपने ऊपर रखे तो सरकार उनको जेल का अंदर कर दिया। और जो एनएसएफ लगाया कुछ ज्यादा ईमानदार था मनीष कश्यप, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा ईमानदार होना भी घातक है। घातक ईमानदार होगा आपके लिए घातक हो जाएगा। देखिए मैडम आज कहा क्या है,
कि आज जो हमारे बिहार का कोई आवाज उठाएंगे मीडिया चैनल तो जेल जाएंगे। कहते हैं कि जिसका सरकार उसी का पत्रकार। तो क्या मनीष कहते हैं बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल बाहर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है किस लिए? अगर बिहार हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा फैसला, उस सरकार के स्टेट से नहीं फैसला मिलेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको नहीं मिलेगा? उनको माता पिता छोड़ देंगे बेटा को कि जेल में सड़ा देंगे? जी आज उनको निकालेंगे, उनको माता पिता निकालेंगे, उनका पूरा बिहार का जनता निकालेगा। हम लोग भाई मनीष कश्यप हम युवा का आइकॉन है जी, उनके राह पे हम लोग चलते हैं। अरे सिविल इंजीनियर है, अरे ये क्या बोलते हैं, अंगूठा छाप थोड़ी ना है, अडवी फेल थोड़ी ना है, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो उसको पता है कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है कंस्ट्रक्शन का, उसको सारा चीज पता है। जो वो पुल का जिक्र किए थे वो निश्चित एक साल, उन्होंने कहा था कि एक साल में गिर जाएगा और एक साल में वो गिर गया, उसी में टूट भी गया। देखिए सच के साथ सामने आ गया कि जेल के अंदर जाते ही उनको जेल के अंदर गेला मात्र 3 महीना हो रहा है और 3 महीना के अंदर पुल भर गया। वो पहले ही 1 महीना भविष्यवाणी कर चुके थे कि पुल ही गिरेगा, इस पे पहले ही वो बोल दिए थे नीतीश कुमार को कि पुल ये गिरेगा, और देखिए आज पुल भर गया। उनको जेल के अंदर गेला मात्र 3 महीना हुआ, पुल अपने आप भर गया। 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने आप बाहर गया। बोलना चाहता हूँ आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आज चुप्पी बैठिए नहीं, आज मनीष कश्यप को निकलवाने के काम कीजिए। आज मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, आपने बोला कि अगर मनीष कश्यप बाहर होता तो राजनीति की हवा किसी और दिशा में होती, तो दूध के दूध और पानी के पानी करने वाले मीडिया किसी का नहीं ना होता है। कहता है कि मीडिया आज किसी का नहीं है, वो सरकार का स्तंभ होते हैं, बल्कि उनको राष्ट्रपति जी देखते हैं। ये थोड़ी बिहार सरकार और भारत सरकार नरेंद्र मोदी से चल रहे हैं मीडिया चैनल, लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहूंगा कि आज हमारे जो बिहार के जो मनीष कश्यप को जो अंदर किया गया है उनको निकलवाने के काम किया जाए। अगर नहीं निकलवाते हैं तो आपका लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो खिलाफ करेंगे, नोटा पर वोट डालेंगे, नोटा पे। मनीष कश्यप जब तक बाहर नहीं आएंगे ना, जब तक हम लोग पूरा युवा नोटा पर वोटिंग करेंगे। मनीष कश्यप बाहर नहीं आएगा तो नोटा पे वोट? बिल्कुल बिल्कुल, नोटा पे किया जाएगा वोट 110%। इमीडिएटली पहले NSA उनपे हटाया जाए, और वो NSA लगा है बिहार गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से, ठीक है? कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट किया गया तमिलनाडु में, क्योंकि जब ये कांड हुआ था उस समय बाबू तेजस्वी यादव गए थे तमिलनाडु, उसी समय ये घटना हुआ था जो तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूर थे उन पे ये घटना हुआ था, और ये सारा चीज तेजस्वी यादव देख रहे थे। उसी पे ये जो मनीष कश्यप है आवाज उठाए कि भाई तेजस्वी यादव तमिलनाडु गए और बिहारी मजदूर पे एक भी आवाज नहीं उठाए, इसी बात को लेके वोट क्यों होगा? हम देखिए मीडिया चैनल को सरकार अपने बस में नहीं ले, अगर बस में लेते हैं तो हम लोग पूरा युवा नोटा पर वोट करेंगे, बिहार के जितने भी है हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? जी मनीष कश्यप तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको फंसाया गया है, जो वो सत्य बोल रहे हैं लेकिन उनको फंसाया जा रहा है। वो युवा है और हम भी युवा है, लेकिन वो एक युवा को फंसाए, यानी हमें भी फंसा दिए हैं। वो ऐसी सरकार को हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। नहीं जी नहीं। क्यों? तो अगली बार किसकी सरकार लाइएगा? या ऐसे तो हम BJP को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लग रहा है ये क्या, ये भी लगता है राज्य सरकार के साथ मिल गई है, क्योंकि मनीष कश्यप को छुड़वा नहीं रहे लोग।